Assalamu alaikum, dear students. I welcome you after a long gap. Examinations were there, my dear students. We were studying a chapter. मैं थोड़ा सा रिवाइज मतलब थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कहाँ तक हमने पढ़ा. Dear students, we were studying a chapter structure of atom, and in this chapter we have discussed some topics like discovery of electron, properties of cathode rays, discovery of proton, discovery of anode rays, and my dear students. Today we will start another topic, very important topic, that is called Thomson's model of atom. Thomson's model of atom. And dear students, this is also called plum pudding model. This is also called plum pudding model. क्या स्टडी करेंगे हम आज गूगल में, ये थ्योरी है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम भी. नाउ एक बात मैं पहले में स्टार्ट करूंगा कि ये थॉमसन्स मॉडल क्यों आया. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि अब एटम कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो नेक्स्ट स्टेप वॉज टू नो द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स. अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि इन पार्टिकल्स, चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखेंगे कि इनका अरेंजमेंट एटम में कैसे है. समझ आई वन मोर गुड. तो थॉमसन वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज डिटेल्ड मॉडल ऑफ द एटम. ये मैं लिखूंगा, थॉमसन वॉज फर्स्ट टू प्रपोज a detailed model of atom. Detailed model of atom. And he proposed that. अब सुनिए इसने क्या कहा. पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, थॉमसन्स मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं आगे मैं बोलूंगा. थॉमसन में उनको पर आप जानते हैं एटम, आप सब पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ था एट द टाइम ऑफ थॉमसन. तो इसने बोला चलो ये तो डिस्कवर हुए, अब देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम में कैसे है. तो इसके लिए इसने एक थ्योरी फॉरवर्ड की है जिसको बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो इसने कुछ पॉइंट्स कहे. क्या कहा इसने, कहा कि एटम कंसिस्ट करता है कि एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर. किसका यूनिफॉर्म स्फीयर, अ पॉजिटिव चार्ज. और कहा इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है. क्या है एम्बेड, ये मैं आपको पहले बता दूंगा. म्यून गुबर एन एटम कंसिस्टस ऑफ, शाबाश म्यून गुबर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर कंसिस्टस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शाबाश, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. और जिगर में कहा इसने ऐसे ऐसे, देखो आप अगर ये कोई एटम है, इसने कहा कि एटम है सुफेरा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, सुफेरा पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज है. जिगर में समझ है वन, या वो सुफेरा तो समझ, ये पॉजिटिव चार्ज. और इसने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है, ये है ना, ये में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड का मतलब है. तो इसको वुशमुत खरबुज आपने देखा है, वो रेड वाला हेंद वेंद, तथा तुम बेल फेल आसान तथ मज फसित, वो जो रेड पोर्शन है ना, रेड पोर्शन करियो तो एज्यूम वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो सीड्स होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन. उसी तरह इसने इसका एटम का बोला, दैट इज व्हाट इज आल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग. प्लम केक शो उष्मत केकस मन तम आसान क्या, ड्राई फ्रूट्स एम्बेड होते हैं. उसी तरह इसने कहा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल. म्यून गोबर इसने कहा कि एटम कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, जिस तरह मैंने बनाया, और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेड है ऐसे ना, पॉजिटिव क्या, एक गो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये गए इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, बाकी ये सारा स्फीयर है. समझ है इवन. तो इसने पहला पॉइंट कहा. दूसरा पॉइंट इसने कहा, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड.
द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब नेगेटिव और द पॉजिटिव चार्जेस का है ना, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इनका मैग्नीट्यूड एटम है, जब बराबर है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस मीन्स इसने कहा एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? बिकॉज म्यून गुबर जब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव का बराबर होगा तो ये तो इसके 10, और ये तो पता ही है जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ओवरऑल जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। मैंने गुबरू बेलर बुझू। पहला पॉइंट इसने कहा कि एटम है एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव स्फीयर और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है। कैसे एम्बेड है? उसी तरह एम्बेड है जिस तरह वाटर मेलन में रेड पार्ट जो है तो करूं वो पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है? पॉजिटिव स्फीयर। और जो सीड्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तुम सीड चुनो तथ मज फसित जन आसन तथ वन एम्बेड गसन। तो उसी तरह आप बोलो सीड्स इलेक्ट्रॉन्स है, रेड पार्ट जो है पॉजिटिव स्फीयर। उसी तरह का क्या है स्ट्रक्चर ऑफ, उसी तरह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये समझ आया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जितने पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इनका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है। मतलब नशु पॉजिटिव ज्यादा, ये इक्वल है, जितने पॉजिटिव उतने। तो ओवरऑल जो एटम है ये न्यूट्रल है, ये एटम है जो न्यूट्रल है। तो म्यून गोबर ये आओ तो समझ थॉमसन मॉडल, ज्यादातर तरीफ फिक्र तुम दियो वाटर मेलन एग्जाम्पल। और जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट आप क्या म्यून गोबर जो नम खाते हैं तो वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स है सीड्स गिव क्यों दे आर नेगेटिवली चार्ज, जिगर में समझ है और वो एम्बेड है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? अरे भाई न्यूट्रॉन का कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न्यूट्रॉन का कहीं कॉन्सेप्ट। पहला ही पॉइंट जो इसको समझ, जो इसने एक्सप्लेन, इट कुड नॉट explain the stability of atom। atom की stability इसको explain करनी नहीं आई, किसको? थॉमसन को। समझ है जिगर में उन्होंने, इसने step, ये important point है म्यून गोबर, ये stability इसको explain करनी नहीं आई। और म्यून गोबर he do not know, इसको पता ही नहीं था हाउ पॉजिटिव चार्जेस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम। समझ है इवन, इसको पता ही नहीं था पॉजिटिव चार्ज और स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पकड़ के रखा था, इसने वो एक्सप्लेन ही नहीं किया। इथो लिखित इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। इसने कहा कि अरे भाई आप हमें बताओ आपने किस फोर्स से पॉजिटिव प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज ने कैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को एमिस तो ना आते आंसर दियों कि तो दीज वेयर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जिगर में उन समझ आया आपको, तो होप सो आपने अंडरस्टैंड किया इसको। तो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जल्दी जल्दी मैं इसको सम अप करता हूं। थॉमसन्स मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल। क्यों? बिकॉज जिस तरह प्लम केक है उसमें वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप एज्यूम कीजिए नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज बाकी केक। तो ये क्यों आया? बिकॉज म्यून गोबर हमें डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब इनका अरेंजमेंट देखना था यार एटम में कैसे है। तो इसके लिए थॉमसन पहले साइंटिस्ट था जिसने एक डिटेल्ड प्रपोज किया, एक मॉडल दिया।
इसने क्या कहा, इसने कहा कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है ये मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, तो दिस मीन्स एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर इसने कहा एक वाटरमेलन की एग्जांपल देके इसने कहा कि रेड पार्ट जो है आप एज्यूम कीजिए वो पॉजिटिव स्फीयर है और सीड जो है इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी लिमिटेशन ये है, ये इसने एक्सप्लेन नहीं करना है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया पॉजिटिव चार्ज ने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अगले लेक्चर में हम रदरफोर्ड, फिर बोहर, न्यूट्रॉन और इसमें बहुत सारा सिलेबस है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।